भारी बारिश के वजह से नदियों का जलस्तर सामान्य से ऊपर उठने के कारण जिलों के कई पंचायत हुए जलमग्न। पाकुड़ प्रखंड के इलामी पंचायत के बगानपाड़ा, कुशमानगर, हरिहारा, गंधाईपुर पंचायत और भी पंचायतों में लगातार दो दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर सामान्य से ऊपर हो गया है। जलस्तर सामान्य से ऊपर होने की वजह से पूरा गांव नदी के पानी में लबालब हो गया है। यहां तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। पूरा गांव तालाब में तब्दील हो गया है। गाँव की सड़कें पानी जमने की वजह से डूब गई है। खासकर खेतों में भी पानी भर चुका है, जिस कारण आर्थिक रूप से भारी क्षति हुई है। वहाँ के किसानों को पाकुड़ प्रखंड के पंचायतों में रहने वाले बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए इलामी मुखिया मिस विका हसन ने इनको लेकर प्रखंड कार्यालय में पूर्व में भी लिखित आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। खबर 365 न्यूज के लिए पाकुड़ से अबू ताला की रिपोर्ट। समस्या जे डूबे तो पानी ते मन कल की करबो ना करबो तो देखो ना जी वीडियो देखा जो मन कल निजे ऐसा जे हमरा डूबा छी ना बचा छी। इलामी बागानपाड़ा में नदी का बांध कटा हुआ है, इसके लिए पानी की कारण में रोड पूरा डूब गया है, घर घर में भी पानी घुस गया है। इस कारण में हम लोग को चलना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी तक वीडियो साहब ने कोई हम लोग को अलाउड नहीं कर रहा है, अभी तक आने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। इन लोग खाली ऐसा ही बोल रहे हैं, यहाँ तुम लोग का काम हो जाएगा काम हो जाएगा, अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा है। वीडियो का हमारे आवेदन जाना रहा जे ऐसे हमारे बड़ी घर देखे जाओ कम सब परिस्थिति आछे सब अपना एक पानी आछे हमार मैं बाहर से जो पहने एकन भोरी हमार खान तो आज हम की पाबो जे खाबो मैंने एगने पानी मैंने गोटा सौ चतुर पाकी पानी घरे पानी है। भारी बारिश के कारण पाकुड़ प्रखंड के इलामी पंचायत, तारानगर पंचायत, गंधाईपुर पंचायत जो भी बाढ़ प्रभावित जितने भी इलाके हैं भारी नुकसान हुआ इन सब पंचायतों में। ग्रामीण जो है वहाँ ट्राई प्लान कर रहे हैं और जल जमाव हो गया है पूरे क्षेत्र में, खास करके खेतों में जल जमाव हो गया है, जिसके कारण किसान भाइयों को भारी आर्थिक क्षति पहुँची है। इससे पूर्व भी हम लोगों ने प्रशासन को लिखित रूप से दिया था, नाम उपलब्ध करवाया था, जो भी पीड़ित किसान है एवं ग्रामीण भाई बहन है जो बाढ़ से पीड़ित है एवं प्रभावित है उनका नाम हम लोगों ने उपलब्ध करवाया था प्रखंड कार्यालय में, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है और राहत के नाम पर अभी तक कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सका है। तो अभी गंभीरता को देखते हुए प्रशासन से एवं सरकार से हमारा आग्रह होगा कि जल्द से जल्द किसान भाइयों को उनको क्षतिपूर्ति जो है फसलों की वो उपलब्ध कराई जाए एवं ग्रामीणों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जाए। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।